श्री गुरु सिंह सभा खरगोन द्वारा खालसा पंथ की स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से ही गुरुद्वारा साहिब में संगत दर्शनों हेतु पहुंची। सभा के सेक्रेटरी सरदार कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में आज ही के दिन तख्त केशवगढ़ साहिब आनंदपुर में 5 प्यारों को अमृत छका कर खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए आज का दिन खालसा साजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभा के मित्र प्रधान मनवीर सिंह भाटिया एवं परविंदर सिंह छाबड़ा ने बताया कि खालसा साधना दिवस के निमित्त गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें सुबह श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई, जिसकी सेवा माता रजिंदर कौर भाटिया परिवार द्वारा की गई। पश्चात खरगोन के हजूरी रागी ज्ञानी पवन सिंह जी एवं इंदौर से आए ज्ञानी लवजीत सिंह जी के जत्थे द्वारा माधो हम ऐसे तू ऐसा तुम हो सब राजन के राजा पुता माता की आशीष सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी देह शिवा पर मोह इहे जैसे गुरबाणी शब्दों एवं जयकारों से गुरुद्वारा साहेब का हाल गुंजायमान हो उठा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पंथ का स्थापना दिवस है आज के दिन। गुरु गोविंद सिंह जी ने तखत केशगढ़ साहेब आनंदपुर में 5 प्यारों को अमृत छका के सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए आज के दिन को खालसा साजना दिवस कहा जाता है। इस त्यौहार को समूचा खालसा पंथ बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इसी के निमित्त आज गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दीवान सजा है, जिसमें ज्ञानी लोकप्रीत सिंह जी और सभा के हजूरी जत्थे ज्ञानी पवन सिंह जी द्वारा गुरबाणी का जसगान हुआ है। समाप्ति के उपरांत लंगर की सेवा समूह संगत के लिए की जा रही है। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को बैसाखी की लख लख बधाई प्रेषित करता हूँ। क्या नाम है? कमलजीत सिंह गांधी, सेक्रेटरी गुरु सिंह सभा खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।